गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्मार्ट लर्निंग क्लास में। आज की आपकी जो क्लास है वो क्लास सिक्स के लिए है, और क्लास सिक्स के लिए आज हम स्टडी करेंगे एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट आपका क्लास सिक्स के लिए चैप्टर नंबर फाइव है, जो कि आपकी किप्स पब्लिकेशन की आईटी बीन्स की जो बुक है उसका ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसे हैंड टू हैंड नोट कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स एंड फीचर्स टू इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ प्रजेंटेशन। तो प्रजेंटेशन को बेटर तरीके से बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। दीज स्पेशल इफेक्ट असिस्ट यू इन मेकिंग योर प्रजेंटेशन अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, इंगेजिंग एंड प्रोफेशनल। तो स्पेशल इफेक्ट आपके यहाँ पर दिए गए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और इंगेज्ड बनती है, जिससे कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आपके जो भी आप करना चाहते हैं वर्क उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। द यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। तो स्पेशल इफेक्ट आपकी जो ऑडियंस है, जो भी आपके जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर बेटर इफेक्ट के लिए आपको स्पेशल इफेक्ट यूज किए जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन, ये आपको खुद से डिस्कस करना है कि व्हाट इज अ स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्लाइड और प्रेजेंटेशन दो टर्म्स के बारे में आपको पता करना है। और हम देखते हैं कि द शॉर्टकट टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज विंडोज की प्लस आर। विंडोज और आर की आप एक साथ दबाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो की है, ये आर की कीबोर्ड में आपको मिलेगी, इसको आपको एक साथ प्रेस करना है। द रन बॉक्स, एक आपके सामने रन बॉक्स छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आप पावर पी एन टी आप टाइप करेंगे, उसके बाद में आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट कमांड है जिसके थ्रू आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके स्टार्ट बटन पर जाकर भी आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या शॉर्टकट आपने डेस्कटॉप पे बनाया होगा तो वहाँ से भी आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ट्रांजिशन वर्सेज एनिमेशन, ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है ये भी आपको खुद से देखना है, आप आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स, किस तरीके से हम एनिमेशन इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट के अंदर वो देखना है। द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, लोगोस एक्सेट्रा इन एनी ऑल डायरेक्शंस ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। तो जो आपका टेक्स्ट का मूवमेंट है, ये देखिए आप टेक्स्ट का, यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो मूवमेंट हो रहा है तो ये आपका क्या है कि एनिमेशन है। जो आपके चार्ट्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चार्ट्स आपको दिखाया गया है, यहाँ आपका जो लोगो है यहाँ पर, ये आपका वर्क्स वैगन का एक कार कंपनी है उसका लोगो दिया गया है। तो लोगोस, टेक्स्ट और जो आप चार्ट्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन इज क्वाइट बेनिफिशियल व्हेन यू विश टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब किसी पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंट फोकस करना है अपनी प्रेजेंटेशन में तो आप उसको स्पेशली हाईलाइटेड करने के लिए उसको एनिमेट कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट आप दे सकते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। इससे कि क्या होता है कि आप अपने जो आपका एनिमेशन का एक फ्लो है उसमें भी आप फ्लो को इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी एनिमेशन की जो स्लाइड है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी यूज़र को इससे पता लग जाएगा।
You can animate the text, pictures, shapes, tables, smart art, graphics and other objects. यहाँ पर आपको एनिमेशन भी करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पिक्चर्स, टेक्स्ट और ग्राफिक्स आपका एनिमेट किया जा सकता है। इसके साथ आप साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स और मूवमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं कि आपके एनिमेशन के साथ में आपका कोई साउंड भी प्ले हो। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन एनी प्रेजेंटेशन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, सिलेक्ट द एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन आपको एनिमेशन बार पर सिलेक्ट करना है पावर पॉइंट में। उसके बाद में यहाँ पर आपको जिस जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका आप यहाँ से एनिमेशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस है, अपीयर है, फेड है, फ्लाई इन है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसे आप उसको चूज कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना तो आप उसे नन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक एनिमेशन इफेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो भी आपने टेक्स्ट पे लिया है आप उसके ऊपर करेंगे तो उसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा कि व्हील करते हो तो व्हील की तरीके से और एग्जिट करते हैं तो यहाँ से आपका एग्जिट हो जाएगा। ये आपका क्या करता है कि आपका एक बार दिखाने के बाद में आपकी प्रेजेंटेशन से एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर था अभी इमेज और यहाँ से फेड एग्जिट हो गई है, फेड आउट हो गई है। उसके बाद है एम्फेसाइजेस, दीज इफेक्ट्स कैन बी सीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। इसमें आपका देखिए इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं, कलर उसका चेंज कर सकते हैं, ग्रो शाइन कर सकते हैं, इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट उसकी साइज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और बहुत तरीके की आप चीज़ें इस इफेक्ट के थ्रू, एम्फेसाइज इफेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन पाथ। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इमेज किसी पर्टिकुलर पाथ पर मूवमेंट करे, फॉर एग्जांपल लाइन पे, टर्न पे, आर्क या कोई सेम शेप दे दें तो उस शेप पर मूव करे, तो उसको भी आप इमेज को सिलेक्ट करके जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस इफेक्ट को यूज़ करके आप उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करा सकते हैं। ईजीली आपका जो है वो वहाँ पर प्लेस पर आपका मूव हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हम चूज करते हैं, यू कैन अप्लाई वन ऑफ एनिमेट। देखिए यहाँ पे हमने अभी इमेज पर ये लूप लगाया है तो यहाँ पर लूप आपका लूप टाइप से एनिमेट हो गया है। लाइन पर हम करेंगे तो एक जगह से लाइन के उसमें दूसरी जगह चला जाएगा। टू व्यू मोर एनिमेशन इफेक्ट्स ऑफ ईच टाइप सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द एड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन इन एनिमेशंस के अलावा मिल जाएंगे जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये आपको सेट करना है कि कहाँ पर कौन सा एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आपको चूज करना है। यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। तो ये विंडो कंप्लीट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एनिमेशन अपना चूज करेंगे। After applying an animation effect to an object or a text, you will notice that a number tag appears. जब आप कोई भी एक एनिमेशन लगा देते हैं तो उस पर एक नंबरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गई है। यहाँ पर वन नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने पहले नंबर पर एनिमेशन लगा दिया है और उसके बाद में आपको इस पूरी स्लाइड पर एक एनिमेशन आपका लगा हुआ है। To specify or set the timing of the effects, use duration field available in the timing. अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो आप इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो वो आप भी कर सेट कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन और उसका डिले, आप दोनों चीज़ें आप उसको सेट कर सकते हैं कि कितने देर तक वो एनिमेशन चलना है और कितनी सेकेंड्स के डिले पर वो चलेगा। ये आपकी स्पीड, डिले का मीनिंग आप स्पीड भी से भी लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड टाइमिंग क्या रहेगी। क्लिक ऑन द प्ले बटन इन द एनिमेशन, आप एनिमेशन में प्ले बटन करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप उसका एनिमेशन, आपका एनिमेशन पेन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि आपने क्या एनिमेशन लगाया है।
और आप एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही इमेज पर, एक ही टेक्स्ट पर एक से ज़्यादा एनिमेशन भी लगा सकते हैं लाइन बाई लाइन, और रीऑर्डर भी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीऑर्डर एनिमेशन ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप अंडर एनिमेशन टैब। रीऑर्डर एनिमेशन का क्या फंक्शन है और ये इन द टाइमिंग ग्रुप अंडर एनिमेशन टैब। तो रीऑर्डर से आपका क्या होता है, जितने भी आपने एनिमेशन लगाए हैं, ऑर्डर का मतलब है कि कौन सा एनिमेशन पहले चलेगा कौन सा एनिमेशन बाद में चलेगा, इसकी सेटिंग जो है रीऑर्डर एनिमेशन के अंदर पेन में की जाती है। और आपका जो भी आपने एनिमेशन लगाया है उसकी जो नंबरिंग है वो आपको करनी होती है कि कौन सा नंबर आपको एनिमेशन पहले रखना है और कौन सा एनिमेशन आपको बाद में रखना है। टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम एन एनिमेशन पेन लिस्ट सिलेक्ट इन ड्रॉप डाउन एंड रिमूव। अगर आपको डिलीट करना है किसी एनिमेशन को तो आप राइट क्लिक करके उस एनिमेशन पेन पे जाके राइट क्लिक करके रिमूव ऑप्शन चूज करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपका वहां से एनिमेशन हट जाएगा। इन द एनिमेशन पेन अ नंबर 012 इंडिकेट्स द एनिमेशन ऑर्डर, ये आपका एनिमेशन ऑर्डर दिखाते हैं। स्टार सिंबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इफेक्ट यूज फॉर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड, और जो आपका स्टार सिंबल होता है ये आपको दिखाता है कि आपने इफेक्ट यूज किया है टेक्स्ट पर या फिर ऑब्जेक्ट पर। नेक्स्ट है आपका द एनिमेशन पेंटर ऑप्शन इन एडवांस्ड एनिमेशन कॉपीज द एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइज टू अनदर। अगर सेम इफेक्ट आपको कॉपी करना है और आप उसको दूसरे उस पर लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि कहाँ से आपने इतना एनिमेशन इतने सारे इफेक्ट्स में कौन सा चूज किया है। तो आपको सिंपल उस एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करना है एनिमेशन पेंटर टूल से। ये आपका एक एडवांस टूल है और आपके एनिमेशन के पूरे ग्रुप को कॉपी कर लेता है और आप उसे दूसरी जगह पर भी पेस्ट कर सकते हैं सेम वही इफेक्ट लगाने के लिए। डबल क्लिक आपको करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंटेशन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप उसको लगा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द एनिमेशन इफेक्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट नन ऑप्शन, आप नन ऑप्शन चूज कर लीजिए एनिमेशन में और आपका नन एनिमेशन वहां से हट जाएगा। क्लिक ऑन अप्लाई ऑल ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप ट्रांजिशन टैब द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट टू द स्लाइड, और उसको अंदर फिर एनिमेशन के अंदर जाकर अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सारे इफेक्ट आपके हट जाएंगे। अगर आप वहां पर अप्लाई टू ऑल नहीं करते हैं तो वहां पर केवल एक ही हटेगा, और सारे में से आपको हटाना है तो अप्लाई टू ऑल एनिमेशन के अंदर टैग के अंदर जाके आप कर दीजिए तो सारे वहां से हट जाएंगे। क्लिक ऑन प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर आप जाके देख सकते हैं, प्रीव्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो प्रीव्यू से वहां पे आप देख सकते हैं ये एनिमेशन आपका हट गया है। नेक्स्ट है आपका एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको किस तरीके से एड करने हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग स्लाइड शो व्यू, यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू अ सिंगल स्लाइड एज वेल एज। आपको अगर कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है तो आप एनिमेशंस में जाएंगे और एनिमेशन के अंदर अपना एनिमेशन चूज करेंगे। फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट, सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वॉन्ट टू अप्लाई ट्रांजिशन। आपको सिंपल स्लाइड, वहां पर आपको क्या कर रहे थे, आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपनी स्लाइड पर लगाएंगे। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके यहाँ पर ट्रांजिशंस आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांजिशंस होता है जब आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा रहे हैं तो किस तरीके से व्यू आपको स्लाइड में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वो आपका ट्रांजिशंस कहलाता है कि आपको स्लाइड पर किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स रैंडम लगा सकते हैं, स्प्लिट वाइप पाथ में दे सकते हैं कि जब आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो किस तरीके से इफेक्ट आपका दिखाई देगा। यहाँ पर आप साउंड भी लगा सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन के आप अंदर जाएंगे, फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आपको लगाना है, राइट से लगाना है, लेफ्ट से लगाना है,
आप साउंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड चेंज होगी तो वहां पर आपकी किस तरीके की साउंड आपकी स्पीकर्स में आएगी। टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं कि जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो उसके बीच का टाइमिंग आपका क्या रहेगा, और आप इसके साथ में टाइमिंग का भी साउंड का भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद पे प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन रिबन, स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स। आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितनी जल्दी वो आपका स्लाइड चेंज होगा। अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच जाने के लिए कुछ टाइमिंग चाहिए तो आप उसको टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं, मिनट्स में या फिर सेकेंड्स में आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 1.25 का मतलब है 1 मिनट और 25 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पर एक और सेटिंग होती है आपकी ऑन माउस क्लिक की। ऑन माउस आपका क्लिक क्या हो रहा है कि जब आप पर आपने चेक कर दिया है तो केवल माउस पर जब आप क्लिक करें तभी आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जाएंगे। या फिर आफ्टर भी आप चूज कर सकते हैं कि स्लाइड फिनिश होने के 5 सेकंड बाद 1 मिनट बाद जितना भी टाइम आप डालेंगे उतने टाइम बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये भी हम ऑप्शन अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ये हमको ऑटोमेटिक चाहिए या फिर माउस क्लिक पर अगली स्लाइड चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर अप्लाई टू ऑल या सिंगल स्लाइड पर भी ऑप्शन हमको रखना है या सभी स्लाइड पर एक बार में देना है। जो सेटिंग्स हमने की हैं वो हम यहाँ से चूज करेंगे कि हमको सभी स्लाइड पर सेम चीज रखनी है या फिर अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग इफेक्ट लगाने हैं। दोज इफेक्ट्स विल बी अप्लाइड ऑन द करेंट स्लाइड ओनली। अगर हम सिंगल स्लाइड पर लगा रहे हैं तो केवल सिंगल स्लाइड पर रहेगा, अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी स्लाइड्स के लिए हो जाएगा। ओपन द स्लाइड शो, स्लाइड शो में जाएंगे फ्रॉम बिगनिंग, इसको मैं F5 करके भी फ्रॉम बिगनिंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका पहली स्लाइड ओपन होके आई है। उसके बाद में आपका जो है आपने इफेक्ट लगाया था इमेज पर, वो इमेज आपका दिखाई दिया, उसके बाद में आपका एग्जिट हो गया था। इफेक्ट ऑप्शन बटन इन द एनिमेशन ग्रुप गिव्स डिफरेंट डायरेक्शन ऑप्शन टू ईच ट्रांजिशन, या डिफरेंट टाइप की आप डायरेक्शन और ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन स्लाइड शॉर्टर व्यू, ओपन द ट्रांजिशन टैब एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। इसके बाद में है इंसर्टिंग साउंड क्लिप। साउंड क्लिप आपको पूरी अपने उसमें ऐड करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट कैन ऐड अ कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन टू एनी प्रेजेंटेशन। साउंड आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। यू कैन ऐड साउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू सर्टेन पॉइंट्स। साउंड फाइल्स कैन बी एडिट फ्रॉम द फाइल्स स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन इवन रिकॉर्ड योर ऑन साउंड और कैन ऑल्सो एड म्यूजिक फ्रॉम अ सीडी। साउंड को आप अपने कंप्यूटर की इंटरनल फाइल्स के थ्रू चूज कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से साउंड डाउनलोड करके वहां पर लगा सकते हैं, या आप सीडी डीवीडी के थ्रू भी साउंड सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है योर ऑन साउंड, यानी अपनी वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करके आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप लगा सकते हैं। तो इतनी सारी तरीके से आप अपने साउंड क्लिप उसके अंदर चूज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको एक फाइल ऐड करनी है यहाँ पर देखते हैं। सिलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड साउंड, कहाँ पर हमें स्लाइड पे चूज करना है। इंसर्ट में हम जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर हमको ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया के अंदर ऑडियो फ्रॉम फाइल यहाँ पर हमको चूज करना है, ऑडियो फ्रॉम फाइल। और अब उसके बाद जो हमारा विंडो ओपन होगा उसके अंदर हम लाइब्रेरी में जाके देखेंगे कि कौन सी फाइल हमको इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो फाइल जो भी हम लगाएंगे वो यहाँ पर ऐड हो गई है, और उसको यहाँ पे प्लेबैक का ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास एक ऐड हो गया है टैब के अंदर। उस प्लेबैक ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साउंड कब प्ले करनी है, ऑन क्लिक पर करनी है ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारी स्लाइड हो तब लगानी है, या फिर एक वही स्लाइड के दौरान ऑडियो चलती रहेगी। यहाँ पर हम ऑप्शन यहाँ पर चूज हमको करना है, जो भी हमको सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन वो हम यहाँ पर कर सकते हैं और अपनी साउंड को
वहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेयर एज ऑन क्लिक ऑप्शन विल प्ले द साउंड ओनली वेन यू क्लिक। सिंपली यहाँ पर आपका एक मीडिया प्लेयर भी दिया होगा छोटा सा, कि आपकी नेक्स्ट साउंड, प्रीवियस साउंड, और यहाँ पर प्ले पॉज का बटन, और यहाँ पर आपकी वॉइस कंट्रोल, और यहाँ पर आपका मिनट्स और सेकेंड्स का कि कितनी लेंथ की आपकी साउंड है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको प्ले या पॉज। तो यहाँ पे भी आपका ये दिखाता है कि किस तरीके से आपकी साउंड प्ले हो रही है। यहाँ पर व्हेन वी इंसर्ट एनी साउंड स्पीकर आइकन अपीयर्स इन द मिडिल ऑफ द स्लाइड, वी कैन साइज दिस आइकन। जब हम कोई भी साउंड ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक स्पीकर ये आपका बन के आ जाता है, इसको हम बड़ा या छोटा करके उसको यह मूव भी कर सकते हैं स्लाइड में, किसी भी जगह हम उसको लगा सकते हैं और स्लाइड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेस शिफ्ट प्लस F10 की कॉम्बिनेशन टू ओपन द शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू अगर आपको ओपन करना है तो शिफ्ट प्लस F10 की ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। शिफ्ट आपका दिया होता है कंट्रोल कीज़ में और F10 आपको दिया होता है फंक्शन कीज़ में, तो इसको आप यूज़ करके आप उसको शॉर्टकट मेन्यू आप अपना ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टिप दी जाती है कि टू कंटिन्यूसली प्ले अ साउंड क्लिप सिलेक्ट द लूप अंटिल स्टॉप चेक बॉक्स इन ऑडियो ऑप्शंस ग्रुप ऑन द प्लेबैक टैब। अगर आपकी साउंड क्लिप मान लीजिए छोटी है, आपकी साउंड क्लिप बस इतनी है, लेकिन आपका जो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी बड़ी है, यहाँ तक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे लूप। इसको आपने इतने को क्या बना दिया, लूप। लूप बनाने का मतलब क्या है, ये वॉइस जब आपकी यहाँ से ख़त्म होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से आपकी इतनी ऑडियो फिर से प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और इसके बाद इसके आगे इतनी आगे फिर से प्ले हो जाएगी, और जब तक आपकी कंटिन्यू बजती रहेगी, जब तक आपकी पूरी की पूरी स्लाइड की प्रेजेंटेशन फिनिश नहीं हो जाती। तो इस तरीके से आप उसको लूप बना कर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी साउंड को, कि जो है म्यूज़िक आपका पीछे कंटिन्यू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन चलता रहे। इसके बाद है इंसर्टिंग साउंड क्लिप। अपनी खुद की वॉइस आप कैसे इंसर्ट करेंगे वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रेजेंटेशन में म्यूज़िक तो हमको डालना आना ही चाहिए, साथ ही साथ में हम अपनी वॉइस भी वहाँ पर डालना चाहते हैं कि वहाँ पर हमको उतने दौरान बोलना ना पड़े, तो हम घर पे अच्छे से रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल रिकॉर्डिंग योर साउंड इट इज़ एसेंशियल टू कनेक्ट अ माइक्रोफोन टू योर कंप्यूटर। आपके पास एक माइक होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होकर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके। फॉलो दीज स्टेप्स। सिलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्डेड साउंड। सिंपल आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन पर जाएंगे। रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर अपनी रिकॉर्डेड साउंड का नेम आप टाइप करेंगे और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पर आपका स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर आप प्ले करके उसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड किया। अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसको ओके कर दीजिए और आपकी यहाँ पर साउंड जो है ऐड हो गई है, जो भी आपने रिकॉर्ड की है। और साउंड आइकन आपका जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आपका यहाँ पर आपका आ जाए। टू मेक डुप्लीकेट ऑफ द करंट स्लाइड प्रेस कंट्रोल प्लस डी। आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो आपको कंट्रोल प्लस डी यानी कंट्रोल प्लस डुप्लीकेट, या आपका कंट्रोल बटन या आपका डी बटन कीबोर्ड से चूज करके प्रेस करना है, इससे कि आपकी डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। एक स्लाइड की सेम डुप्लीकेट आपको कॉपी चाहिए हो तब आपको कंट्रोल प्लस डी का यूज करना है, इससे आपकी कोई भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। द रिकॉर्डेड साउंड फाइल्स आर असाइंड द एक्सटेंशन .wav। जो भी आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो .wav यानी विंडोज ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स। वीडियो क्लिप्स हम अपने एनिमेशन में किस तरीके से ऐड करेंगे, प्रेजेंटेशन में किस तरीके से ऐड करेंगे वो हमको देखना है। वी कैन ऐड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी विच contains a wide range of art, sound, video and related clips. Video clips can also be added from any CD-ROM.
इसको किस तरीके से ऐड करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे वीडियो में, फ्रॉम फाइल ऑप्शन, वीडियो फ्रॉम फाइल आपको चूज करना है। उसके बाद में जो आपके पास विंडो आएगी उसमें लाइब्रेरी के अंदर आप जाके सिंपल वीडियोस के अंदर जो भी आपको वीडियो ऐड करनी है उसको इंसर्ट कर देंगे तो आपकी वीडियो वहां पर ऐड हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो आपकी वीडियो है आप उसको रिसाइज भी अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आपकी फुल साइज में होकर आएगी, आप उसको रिसाइज करके छोटा या बड़ा भी आप कॉर्नर्स के थ्रू कर सकते हैं या उसको मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्लेबैक का ऑप्शन आपको आएगा और आपका ऊपर टैब में फॉर्मेट का भी ऑप्शन आएगा। तो फॉर्मेट में आप इसका जो बॉर्डर है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं इस वीडियो के चारों ओर। यहाँ पर जैसा कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है फॉरवर्ड टेक्स्ट का, प्रीवियस का, साउंड का, टाइमिंग का, वो टैब आपकी यहाँ पर जैसे ऑडियो में आ रही थी वैसे वीडियो में भी आएगी जब भी आपकी वीडियो प्ले आप करेंगे प्ले बटन के। क्लिक एनी वेयर यू ऑन द टाइम लाइन टू जम्प एनी पार्ट ऑफ योर वीडियो, अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो जंप भी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इफ स्लाइड लेआउट हैज अ कट इन एंड प्लेस होल्डर, क्लिक और इंसर्ट मीडिया क्लिक आइकन टू इंसर्ट अ मूवी सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर। इंसर्ट मीडिया क्लिक के थ्रू आइकन के थ्रू आप न्यू मूवी अपने कंप्यूटर में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सजेशन दिया जाता है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 यू कैन ऑल्सो एम्बेड वीडियोज फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा इन योर प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी वीडियो आपको डाउनलोड करने के बाद में दो तरीके से होते हैं देख लेते हैं, एक पहला तरीका है दूसरा तरीका। अभी आपने देखा है यहाँ पर पहला तरीका, जो वीडियो आपके सिस्टम में पड़ी हुई है आपने सिंपली उसको उठा के फाइल चूज करके उसके अंदर लगा दिया, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि एक फाइल जो कि आपकी यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर अदर वेबसाइट्स पर पड़ी है उसको आप बोलते हैं एम्बेड वीडियोस, यानी कि वीडियो को हम डाउनलोड नहीं करेंगे उसको एम्बेड कोड बना के उसके अंदर हम उसको लगा देंगे और उससे हमारी वीडियो अगर हमारे पास नेट अवेलेबल है तो उसके अंदर हमको दिखाई देगी एम्बेड कोड के थ्रू, एम्बेड वीडियोस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एक्शन बटन, यूजिंग एक्शन बटन In PowerPoint, we have the facility to link a web page, email address, file, slide in the same presentation and a slide is different presentation. तो Microsoft PowerPoint में हम अपनों हमको facility दी गई है कि हम web page, email address, file वगैरह को भी link up कर सकते हैं अपनी presentation के साथ में, ताकि वो हमको हैंड टू हैंड ओपन करने में दिक्कत ना हो, जब हमारी प्रेजेंटेशन हो वहीं से वो चीज़ ओपन हो जाए। दिस यूजिंग हाइपरलिंक्स एंड एक्शन बटन, इनको हम क्या बोलते हैं हाइपरलिंक और एक्शन बटन, जहाँ से हमारा हैंड टू हैंड एक्शन हो जाता है। पावर पॉइंट के अंदर से ही हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई दूसरी वेबसाइट्स है, ईमेल करना है, ये हम पावर प्रेजेंटेशन के अंदर से ही कर सकते हैं। इसको किस तरीके से करते हैं, एक्शन बटन आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। You can add to presentation, to link another slide, play a sound or perform some action. कुछ भी आपको play करना है या कुछ और चीज़ करनी है तो आप play buttons के थ्रू कर सकते हैं। You can also assign action as clip art, pictures or the text in smart art graphics. आप किसी object या shape को भी as a action button आप use कर सकते हैं। When one clicks on hover the mouse pointer on the button, the selected action will occur. जब आप उस पर माउस लाते हैं, माउस ओवर बोलते हैं, जब किसी आप आइकन पर माउस लेकर जाते हैं या फिर वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका जो है वो उसका जो अंदर जो एक्शन आपने दिया है वो आपका परफॉर्म होने लगता है। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ओपन कीजिए, इंसर्ट में जाइए, उसके बाद शेप्स में जाइए, शेप्स के अंदर आप जाएंगे एक्शन बटन्स में, एक्शन बटन में आपको यहाँ पर आपका एक्शन बटन यहाँ पर आप उसको जहाँ पर आपका माउस पॉइंटर है जहाँ पर प्लस आपका आ रहा है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर आपका एक्शन बटन ओपन हो जाएगा और एक उस
उसके साथ में छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी एक्शन सेटिंग की, कि वहाँ पर एक्शन बटन से आप क्या कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते ही मैं लास्ट स्लाइड पर पहुँच जाऊँ, मिडिल स्लाइड पर पहुँच जाऊँ, या फिर किसी प्रोग्राम को आप रन कराना चाहते हैं या आपको लगता है कि उसकी आपको ज़रूरत होगी उस प्रोग्राम के दौरान। माउस क्लिक, जब भी आप उस बटन पर माउस क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसकी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। उसकी आप वेब पेज का एड्रेस भी दे सकते हैं, स्लाइड के अंदर का भी आप एड्रेस दे सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी सेटिंग आप उसके अंदर कर सकते हैं। एक्शन ऑन क्लिक, क्लिक करने पर क्या एक्शन होगा यहाँ पर हमारा दिखाया गया है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, किस स्लाइड पर आप इस बटन पर क्लिक करने के बाद किस स्लाइड पर पहुँच जाएंगे वो एकदम से आपको करके दे देगा। या फिर आपको यूआरएल डालना है, अगर फाइल ओपन करनी है, साउंड प्ले करना है, जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर आप सेटिंग जाके दे सकते हैं। अगर आपको साउंड प्ले करना है तो आप यहाँ से साउंड फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि साउंड प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आप ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है जो भी आपने परफॉर्म एक्शन लगाया होगा वो आपका एक्शन परफॉर्म होने लगेगा। लेट्स नो मोर एक्शन बटन डू नॉट हैव टू बी इंसर्टेड फॉर मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड पर ही आपका इंसर्ट नहीं होता है। यू कैन इंसर्ट एन एक्शन बटन ऑन आर स्लाइड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको स्लाइड पर कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड पर आपका इनपुट नहीं होगा। हाइपरलिंक, अभी तक हमने जाना एक्शन बटन, आप जानते हैं हाइपरलिंक्स इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर प्रेजेंटेशन और एनी अदर फाइल और एनी अदर वेबसाइट लिंक। इट कैन बी अप्लाइड ऑन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सच एज पिक्चर्स, शेप्स एक्सेट्रा। तो हाइपरलिंक को हम किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर या शेप पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमें दूसरे किसी फाइल पर, वेबसाइट पर, वेब पेज पर या किसी अदर प्रेजेंटेशन पर हमको ले जाएगा बिना किसी भी देरी के। तो ये आपका एक तरीके से शॉर्टकट है, आपका एक लिंक है जो कि आपका उसके अंदर एड्रेस आपका हाइड हिडन रहता है उस टेक्स्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको एमएस वर्ड से डाटा इंपोर्ट कराना है तो आप किस तरीके से कराएंगे। हैव द फैसिलिटी टू पुट डाटा फ्रॉम वर्ड एक्सेल एंड यूज इन योर प्रेजेंटेशन। इस पावर पॉइंट के अंदर आप एक्सेल से भी डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं और आप एमएस वर्ड से भी डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके अंदर आपको फैसिलिटी दी गई है, इंपोर्टिंग डाटा सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट्स। डाटा इंपोर्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपका जो टाइम है वो सेव होता है, आपको कोई भी चीज़ बार बार टाइप नहीं करनी पड़ती, बार बार नहीं बनानी पड़ती। सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टार्ट बटन पर आप गए, क्लिक करा, ऑल प्रोग्राम्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर आप गए, आपने एमएस वर्ड खोला, उसके बाद आप व्यू में गए, आउटलाइन में गए आप, आउटलाइन के बाद आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में आपने आउटलाइन व्यू का फिगर आपने टाइप कर दिया कि कौन कौन से लेआउट के व्यू आप वहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्ट टाइप सॉफ्टवेयर्स, हेडिंग वन में आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स टाइप कर दिया एमएस वर्ड के अंदर। हेडिंग टू में आपने इस तरीके से ही आपने डिज़ाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जिस तरीके से दिया जा रहा है उस तरीके से आप उसमें हेडिंग वन, हेडिंग टू इस तरीके से आप बना के कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फाइल में, एक फाइल में सेव कर लीजिए। सेव एज में आप चूज कर लीजिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को अपने कुछ हेडिंग्स बना के स्टोर कर लिया। आपको उसकी लोकेशन याद रखनी है कि आप डॉक्यूमेंट्स में आप इसको सेव कर रहे हैं। उसके बाद में आप पावर पॉइंट में जाएंगे, एनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जहाँ पर आपकी कोई पहले से ही प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। उसके बाद आप व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर आप जाएंगे स्लाइडर शॉर्टर,
स्लाइड ड्रॉप में आप नई स्लाइड में जब गए स्लाइड्स फ्रॉम फाइल, तो आपको यहाँ पर स्लाइड्स फ्रॉम फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स जो आपने फाइल बनाई थी उसी लोकेशन पे आपको, यानी आपने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था और डॉक्यूमेंट्स में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फाइल की थी वो आपको इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आपका वो वाली फाइल देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गई जो आपने बनाई थी, जो जिस तरीके से आपने बनाई थी उसी टाइप से ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड भी देखिए बन गई है। यहाँ पर आपने दो हेडिंग बनाई थी तो यहाँ पर दो हेडिंग, हेडिंग के नीचे हेडिंग, और आपका उस तरीके से आपका जिस स्टाइल में आपने किया था आपका स्टाइल भी आपका चेंज नहीं हुआ है। तो टू प्रिंट अ स्लाइड विद द डिफॉल्ट सेटिंग क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, यहाँ पर आप प्रिंट भी ले सकते हैं, कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है, या फिर प्रिंट डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि आपका पावर पॉइंट के बारे में था, एनिमेशन से रिलेटेड था। क्या हमने सीखा, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने सीखा था द एबिलिटी टू मूव योर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट्स लोगोज एक्सेट्रा इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडर इज कॉल्ड एनिमेशन, ये आपका एनिमेशन कहलाता है। टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स लोगोस इनका डायरेक्शन का आपका मूवमेंट करना डिफरेंट साइड में वो आपका एनिमेशन कहलाता है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग स्लाइड शो व्यू। साउंड्स इफेक्ट्स कैन बी एडेड टू प्रेजेंटेशन टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स एंड टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन। एक्शन बटन आर बिल्ड इन बटन शेप दैट यू कैन ऐड टू प्रेजेंटेशन एंड सेट टू लिंक another slide, play a sound or perform some other action. You can import data in a presentation from other application like Microsoft Word, Microsoft Excel, etc. तो पहला था कि हम एनिमेशन क्या होता है, टू मूव ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट एक्सेट्रा इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिमेशन। सेकेंड हमने सीखा ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग स्लाइड। सो ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो वो आपकी ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। साउंड इफेक्ट आपका क्या होता है, कैन बी एडेड टू प्रेजेंटेशन टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं, एंड टू इंटरेस्ट ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। एक्शन बटन, ये आपके बिल्ट इन बटन होते हैं, बिल्ट इन बटन का मतलब है यानी पहले से बने हुए बटन होते हैं। दैट यू कैन ऐड अ प्रेजेंटेशन एंड टू लिंक टू अनदर स्लाइड प्ले अ साउंड और परफॉर्म सम अदर एक्शन, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करना है अपने चलती प्रेजेंटेशन में, तो आप उस प्रेजेंटेशन को क्लोज नहीं करेंगे, वहाँ पर एक बटन बना देंगे जिससे आपकी कोई फाइल ओपन हो जाए, कोई आपका दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, या आपका कोई भी अदर एक्शन है वो आप एक्शन बटन के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट वन है आपका यू कैन इंपोर्ट डाटा इन प्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एक्सेट्रा। आपको अगर आपका डाटा आपको पता है पहले किसी फाइल में सेव है वर्ड या एक्सेल की, तो आपको दोबारा डाटा बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी डाटा को यूज करके अपनी स्लाइड को प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। आप उस फाइल को एमएस वर्ड की फाइल को या एक्सेल की फाइल को अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का कंप्लीट चैप्टर जो कि आज हमने सीखा। इस चैप्टर में कोई भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमसे पर्सनली जो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी है, उस पर लिखकर भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर हमसे ले सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के एनी टाइम। आज की इस चैप्टर में इतना ही, इसको बार बार देखिए और इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, साइनिंग आउट।